ये जो ना ये पार्ट ऑफ गेम है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मेरी बॉलिंग पे अगर कैचेस ड्रॉप हुए तो मैंने कभी भी माइंड नहीं किया इस चीज़ को। हाँ, माइंड तब करता था जब अगर मेरे बॉल पे कोई फील्डर एफर्ट नहीं करता या 100% उस पे एफर्ट नहीं करता, रोकने की कोशिश नहीं करता, तो फिर जाहिर बात है फिर फास्ट बॉलर को दुख होता है। लेकिन अगर आप देखें कैचेस अच्छे से अच्छे फील्डर से भी ड्रॉप हो सकते हैं, और मेरे ख्याल से कोई भी बॉलर किसी भी बॉलर को इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। कैच किसी से भी ड्रॉप हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने उसी प्लेयर को जाके उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो जानबूझ के कोई भी कैच ड्रॉप नहीं करता। तो बेस्ट यही है प्रोफेशनली भी और एज टीम भी, आपका कोलीग है, कि अगर किसी से कैच ड्रॉप होता है तो आप उसको बताएं, उसको बैक करें कि नेक्स्ट अगले अगले बॉल के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि ये सिर्फ एक बॉल नहीं होता, T20 में 120 बॉल होते हैं, और अगर आप 120 बॉल एक्सपेक्ट करेंगे कि मेरे पास आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपके फील्डिंग में इम्प्रूवमेंट हो सकती है। बाबर आजम आजकल जो है फॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहे, तो अफगानिस्तान को कितना एडवांटेज मिलेगा इससे? मेरे ख्याल से ऑब्वियसली टॉप का प्लेयर है, और उसकी परफॉर्मेंस से सारे वो पाकिस्तान की टीम उस पर डिपेंडेंट है। अगर वो परफॉर्म करते हैं तो एक अच्छा फाउंडेशन उनको अगर मिलता है पाकिस्तान टीम को, तो मिडिल ऑर्डर पे इतना प्रेशर नहीं होता। तो मेरे ख्याल से पहले तो आई विश कि वो परफॉर्म करे, क्योंकि जिस तरह हम चाहते थे कि विराट कोहली परफॉर्म करे, बाबर आजम, क्योंकि ये ऐसे बैट्समैन हैं कि जितने भी यंगस्टर हैं उनको देखते हैं, उनके लिए एक रोल मॉडल है। और एज क्रिकेट फैन अगर आप देखें तो हमेशा से बाबर और रिजवान को खेलते हुए बड़ा मज़ा आता है, उनको देखने का बड़ा मज़ा आता है। तो आई होप कि वो बैट पैच से, मेरे ख्याल से इतना भी नहीं है, 2-3 मैचेस उसने नहीं किए। आप विराट कोहली की मिसाल ले लें, इतने लॉन्ग लॉन्ग टाइम से वो परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टेक्निकली ये दोनों साउंड सही है, तो इनके फॉर्म में वापस आना इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली की फैक्टर है बाबर आजम पाकिस्तान टीम का मैन प्लेयर है। वो रन नहीं करता तो डेफिनेटली अफगानिस्तान के लिए ये फ़ायदा दे सकता है। थैंक यू।